बच्चा लोग नीट हो या जेईई मेंस हो, अक्सर आप लोगों को रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम में आप कंफ्यूज जरूर होते होंगे। क्या बोलता है शुक्ला? यस सर, बार बार प्रॉब्लम आती है। यस सर, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सेक्शन पूछता है, एक पूछता है क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। दो वेलोसिटी अक्सर दी होती है, पानी का बहाव V/s और आदमी चल रहा है U से। अगर आदमी यहां से यहां स्ट्रेट जाएगा, प्रयत्न करेगा परपेंडिकुलर, तभी वो मिनिमम समय में क्रॉस करेगा, पक्की बात है। लेकिन सोच पानी इसको ऐसे बाहर ही है तो आदमी सीधा पहुंच नहीं पाएगा, वो यहां कहीं पर पहुंचेगा क्योंकि पानी से धकेल रही है। बराबर, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मिनिमम कितना हो गया तेरा? डिस्टेंस कितना है? बी है, और स्पीड कितना है? यू है। यानी तेरे को टी मिनिमम मिल गया। yes, लेकिन इतने समय में ये वी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट भी तो हुआ। यस सर, यानी वो रियल में कितना ड्रिफ्ट हुआ? बीसी जितना। तो बीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। खूब पाच आंसर। yes, दूसरा इसके अंदर ये कुछ पूछता है कि टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे वो कवर करेगा। तब इस स्थिति में इसको ऐसे थीटा जितना एंगल पर चलना चाहिए। ये पानी का बहाव का वेलोसिटी, ये व्यक्ति का थीटा एंगल निकालेंगे लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करना है? वी डिवाइडेड बाय यू। तो थीटा निकल जाएगा, मतलब थीटा जितना एंगल पर चलाओगे तो इसी तरीके से वो आगे पहुंच जाएगा वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर समझ में आया है ये शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और ऐसे और भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोगों से मिलेगा तो अगली वीडियो में। जय हिंद।